फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा तलवार और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। देश भर में जहां रामनवमी का पावन पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, तो वहीं सूबे के CM योगी आदित्यनाथ ने भी रामनवमी के शुभ अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में विधि विधान के साथ कन्या पूजन किया। इसके साथ ही CM ने यह संदेश दिया कि नारियों के सम्मान और सुरक्षा का यह क्रम उनकी सरकार में निरंतर जारी रहेगा। कन्या पूजन के बाद मुख्यमंत्री ने नारियों के हित में केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा उठाए गए तमाम कदमों का भी जिक्र किया और लोगों ने इनकी सराहना की। आपको बता दें कि नारियों के सम्मान में गोरक्षपीठ में कन्या पूजन परंपरागत तरीके से हमेशा से होता आया है। इस बार भी योगी आदित्यनाथ ने इसी परंपरा को निभाते हुए मनोयोग के साथ पूजन विधि को संपन्न किया। गोरखपुर से कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जो बेहद खूबसूरत हैं। तस्वीरों में कन्याओं और योगी के चेहरे के भाव देखने योग्य हैं। उनके सामने एक बड़ा परात, जिसे पीतल की थाली कह सकते हैं, वो रखा हुआ है, जिसमें देवी स्वरूप 9 कन्याएं और बटुक भैरव बारी बारी से खड़े होते दिख रहे हैं। योगी ने पूरी श्रद्धा पूर्वक सभी बच्चियों के पांव धोए, उनके माथे पर तिलक लगाया, बनारसी चुनरी उड़ाई और मंत्रोच्चार करके उनकी आरती की। इसी के साथ उन्होंने कन्याओं को दक्षिणा और वस्त्र भी भेंट किए। आपको बता दें कि योगी हर साल नवरात्रि में 9 दिनों का व्रत रखते हैं और पिछले 3 दिनों से गोरखपुर में ही मौजूद हैं और तभी से परंपरा अनुसार मठ की पहली मंजिल पर पूजन हवन और देवी की उपासना जारी है। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ मंगलवार को यानी कि दशहरे के दिन मठ से नीचे उतरेंगे और इसी कड़ी में वो सुबह 9 बजे दीगर संतों और पुजारियों के साथ नाथ जी के विशिष्ट पूजन में शामिल होंगे। तो फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, आप सभी को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।